नए लोगों से सावधान। एक जंगल में सुंदर सी हिरन रहती थी। भागने में तेज उससे ज्यादा और कोई नहीं था। हिरन की अच्छाई था कि जंगल के सारे जानवरों को दोस्त बनाना। वह किसी के भी दुख सुनकर मदद करती, इसीलिए हिरन जंगल के सारे जानवरों को बहुत प्यारी थी। एक दिन एक भेड़िया आकर हिरन से बहुत प्यार से बात करके परिचय बढ़ाया, फिर हिरन से दोस्ती का अनुरोध किया। भेड़िया की दोस्ती हिरन ने भी मान ली। ऐसे हिरन और भेड़िए के बीच दोस्ती रोज रोज बढ़ता गया। एक दिन भेड़िया ने हिरन से कहा, दोस्त हम आज एक सुखद स्थान पर जाएंगे, मेरे साथ आओ, बोलकर हिरन को ले गया। भेड़िया के ले जाने वाला स्थान हिरन को बहुत पसंद आया। कुछ देर उधर गप्पे लड़ाए। हिरन अचानक पीछे मुड़कर देखने से दूर से एक बाघ हिरन के पास दौड़ते हुए आ रहा था। हिरन अपनी जान बचाने के लिए बिजली की गति से दौड़कर भाग गई। एक हफ्ते बाद भेड़िया हिरन से मिलकर कहा, मुझे क्षमा कर दो दोस्त, तुम्हें बेकार में ही उधर ले गया। उस दिन एक बड़ी सी संकट से बच गए, जान से बचकर निकल पड़े। मेरे दोस्त को टीक देखकर खुशी हुई। हम फिर कभी उस स्थान पर नहीं जाएंगे। आज एक और सुंदर सी स्थान पर ले जाओ, उधर कोई खतरे नहीं होंगे, चले दोस्त। भेड़िए की दोस्ती के कारण हिरन ने मान ली। भेड़िया ले जाने वाला स्थान बहुत ही सुंदर था। कुछ देर बाद कुछ हलचल से हिरन पीछे मुड़कर देखी। पहले ही उस पर हमला करने वाला बाघ फिर से दिखा। वह बाघ इस बार किसी भी तरह हिरन पर पंजा लड़ाने के लिए पीछा पड़ा था, पर हिरन बिजली की गति से दौड़कर बच गई। हिरन उसके स्थान पर पहुंचने के बाद बाघ और भेड़िया के साथ होने की चाल समझी। चाल बस भेड़िया, मुझसे बातें बनाकर जानबूझकर बाघ के पास ले गया। बाघ और भेड़िया मिलकर मुझे मार के खाने के लिए नाटक कर रहे हैं। दोस्त पर यकीन करने वाले विषय पर ध्यान ना हो तो धोखा खाएंगे। नए लोगों पे इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, बोलकर हिरन ने एक योजना तैयार की। 4 दिन बाद हिरन के पास भेड़िया आकर हमेशा की तरह एक नई नाटक शुरू करने लगा। इस बार हिरन एक अद्भुत दिखाऊंगी करके शिकारी की जाल बुनने के स्थान पर ले गई। वह स्थान भेड़िया के लिए नए होने के कारण वह अंधा होकर हिरन के पीछे चला। आखिर में शिकारी के जाल में फंस ही गया। सभी को अपने मीठी मीठी बातों में फंसा कर धोखा देने वाले भेड़िया को सबक देने वाली हिरन को जंगल के सारे जानवरों ने प्रशंसा की। इस कहानी की नीति है कि नए लोगों पर जल्दी विश्वास ना करें, थोड़ा सावधान रहे। शेर का भोलापन और खरगोश की होशियारी। एक जंगल में एक शेर रहा करता था। वो हर रोज एक जानवर का शिकार करता और उसे खा जाता था। उससे सभी जानवरों को बहुत डर लगता था। एक दिन सब जानवरों ने एक सभा बुलाई और शेर के इस अत्याचार से बचने के उपाय सोचने लगे। तभी एक बंदर ने सुझाव दिया, दोस्तों हम में से रोज एक जानवर उस शेर का शिकार होते जा रहा है। कब किसकी जान को खतरा है पता ही नहीं। कोई चैन से इस जंगल में जी ही नहीं सकता। तभी लोमड़ी ने कहा, हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस समस्या से कैसे बाहर निकले। बंदर ने कहा, दोस्तों सब मिलकर एक उपाय सोचते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। उन लोगों ने एक उपाय सोचा और तुरंत लोमड़ी को शेर के पास संदेश देकर भेज दिया। सब जानवर उसे दूर से देख रहे थे। लोमड़ी ने संदेश शेर तक पहुंचा दिया। शेर तुरंत सभी जानवरों से मिलने आ गया। शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा।
सभी जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। वहीं कुछ जानवर जो बहुत हिम्मत वाले थे रुक गए। हाँ बोलो, मुझे क्यों बुलाया? क्या कारण है? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे शिकार करना है। शेर राजा, अगर हम जिंदा हैं, तो हमें भूख तो लगेगी ही, और आप जो रोज एक जानवर का शिकार करके उसे खा लेते हैं वो भी सही है, पर आजकल आप जरूरत से ज्यादा ही शिकार कर रहे हैं। ये बात तो गलत है ना? आज से आपको शिकार करने की जरूरत नहीं है, हम एक एक करके खुद आपकी गुफा में आके आपका आहार बन जाएंगे। इससे आप अपनी भूख भी मिटा सकते हैं और हमें रोज रोज से डर से भी छुटकारा मिल जाएगा। जंगल के सभी जानवर इस बात से सहमत थे। उसे अब घर बैठे बैठे बिना कुछ काम किए शिकार मिल गया था, ये सोचकर वो मान गया। इसी तरह रोज एक एक जानवर खुद शेर की गुफा को चला जाता था। कुछ दिनों बाद एक खरगोश की बारी आई। बेचारा खरगोश बहुत डरा हुआ था। किसी तरह उसने हिम्मत दिखाई और वो शेर की गुफा के रास्ते चल पड़ा। रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुएं में जब वो देख रहा था तो उसे एक उपाय सूझा। सारा दिन वो वहीं कुएं के पास बैठ गया और शाम को आराम से गुफा की ओर निकल गया। सुबह से भूखा शेर अब शिकार का इंतजार कर रहा था। वो बहुत गुस्सा हो गया और जोर जोर से दहाड़ने लगा। जैसे ही उसने खरगोश को देखा, उसने कहा, क्या बात है, क्यों इतनी देर हो गई? शेर जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सुबह सुबह आपकी गुफा की ओर निकल गया था, पर रास्ते में मुझे एक शेर दिखाई दिया। उसने मुझे खाने की बहुत कोशिश की। शेर जी, मैंने उसे बताया था कि मैं आज आपका भोजन हूँ, पर उसने मेरी एक बात नहीं मानी। उसने कहा कि वो इस जंगल का राजा है और दूसरा कोई भी शेर यहाँ हक नहीं जता सकता। अचानक उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने ऐसे वैसे कुछ भी करके अपनी जान बचा ली सिर्फ आपके लिए शेर जी, और यहाँ आ गया। शेर पहले से गुस्से में था, अब वो और गुस्सा हो गया और कहने लगा, चलो, उसने ऐसा कहा कि वो राजा है, इस जंगल का तो मैं ही राजा हूँ। वो शेर कहाँ है मुझे बताओ, चलो। खरगोश ने अपनी चतुराई से शेर को अपनी बातों में फंसा लिया और तुरंत उस कुएं के पास लेकर आ गया और कहने लगा कि दूसरा शेर इस कुएं के अंदर है। जैसे ही शेर ने कुएं में झांका, उसने पानी में अपनी छवि देखी और समझने लगा कि कुएं में तो दूसरा शेर है। वो जोर से दहाड़ने लगा। कुएं में उसकी आवाज गूंजने लगी और उसे लगा कि दूसरा शेर भी उस पर दहाड़ रहा है। उस दूसरे शेर से लड़कर उसे जान से मार देना चाहता था, इसीलिए वो कुएं में कूद गया। कुएं के पानी से वो बाहर नहीं आ पाया और वहीं मर गया। खरगोश ने बड़ी होशियारी से अपने और बाकी सभी जानवरों की जान बचा ली। जब वो वापस आया और सभी जानवरों को इसके बारे में सुनाने लगा, तो सब जानवर उसकी वाहवाही करने लगे और बहुत खुश हुए। उस दिन से जंगल के सभी जानवर खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बल से जो हासिल नहीं हो सकता, वो अकल से हासिल हो सकता है। मेंढक की होशियारी। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे। वो हमेशा मिलजुल कर रहते थे। कभी भी किसी को भी कोई भी कष्ट होता तो वो उसे मिलजुल कर सुलझा लेते थे। अगर कभी किसी को कोई खुशी होती तो उस खुशी में भी सब खुश होते थे। एक दिन उस जंगल में कई दूर से एक शेर और एक बब्बर शेर आए। जंगल के सभी जानवर उन दोनों को देखकर बहुत डर गए। इतने सारे जानवरों को देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। कुछ देर बाद शेर और बब्बर शेर में बात होने लगी कि जंगल का राजा कौन होगा। बातों बातों में उन दोनों में बहस हो गई।
मैं इस जंगल का सबसे खतरनाक जानवर हूँ, इसलिए मुझे ही इस जंगल का राजा होना चाहिए। मैं इस जंगल का सबसे खतरनाक जानवर हूँ, तुम नहीं, इसीलिए मैं राजा बनूंगा। दूर खड़कर सभी जानवर उनकी बहस को देख रहे थे। वो सब डरे हुए थे। उनके हिसाब से राजा कोई भी हो उन्हें फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनकी जान पे खतरा तो था ही। दूर बैठकर एक मेंढक भी ये सब देख रहा था। वो सोचने लगा कि अगर वो इन दोनों के बीच में बहस रुका देगा तो उसे पुण्य मिलेगा। वो कूदता हुआ उन दोनों के बीच में आ गया। तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? मैंने तुम्हारी बातें सुनी। तुम दोनों के बीच में एक प्रतियोगिता लगाते हैं, उसमें जो जीता वही इस जंगल का राजा होगा और जो हार गया वो राजा का बचाया हुआ शिकार खाएगा। उन दोनों को मेंढक की सलाह अच्छी लगी। तब उन दोनों ने उस पर ही प्रतियोगिता की जिम्मेदारी डाल दी। तुम दोनों एक दौड़ लगाओ, जो मुझे पहले पकड़ लेगा वही विजेता होगा। इतना कहकर वो कूद कूद कर आगे जाने लगा। वो दोनों भी उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने भाग रहे थे। होशियार मेंढक ने उन दोनों को अच्छा बेवकूफ बनाया। उन्हें जंगल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो दोनों उसके पीछे पीछे आते रहे और अचानक एक दलदल में फंस गए। मेंढक टूटता हुआ बच गया। वो दोनों उसी दलदल में फंस कर मर गए। तभी सब जानवरों ने इस छोटे से मेंढक को धन्यवाद कहा और उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे और सब पहले जैसा हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि होशियारी अगर सही जगह लगाई जाए तो बहुत काम आ सकती है।